हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवासिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज हम एक ऐसी हस्ती से मिलाना चाहते हैं जिन्होंने आरसीएम के अंदर जीरो से हीरो बनकर दिखाया है। तो आइए, लिए चलता हूँ रोहतक के एक सेमिनार में और आपको मिलाता हूँ ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनैलिटी राकेश शर्मा से। सुदेश जी की जय, राकेश शर्मा जी की जय। मेरी जब शादी हुई तो सुदेश ने जैसे बताया, वो 20 साल की थी उस समय, मैं 23 साल का था। और शुरू में ऐसा हुआ कि इनको आरसीएम का कुछ पता नहीं था और हमारे घर में पूरा आरसीएम का माहौल था। तो जैसे बता रही थी ना कि बहुत सारे लोग मिलने आते थे और कभी चाय बन रही है, कभी 15 लोगों का खाना बनाना, कभी शरबत बनाना, तो वो चलता रहता था पूरा दिन। और शुरू में कोई दिक्कत नहीं थी, शुरू में तो बड़े खुश होके चाय बनती थी। लेकिन जब मेरे को लगा 2-3-4 महीने बाद में कि आवाज आनी बंद हो गई, जब मैं बोलता था ना फोन करके कि 15 चाय बना दे, तो पहले तो बोलती थी ठीक है ओके, फिर आवाज नहीं आती थी, फिर फोन कट जाता था, फिर 15 मिनट बाद 15 चाय आती थी। तो मैं दिल्ली एक फंक्शन में लेके गया, ताल कटोरा, पहला फंक्शन था वो। उससे पहले मैं 6 महीने तक किसी प्रोग्राम में जाने का मौका नहीं मिला, बट उस फंक्शन ने ना पूरी सोच बदल दी एक प्रोग्राम ने। उस फंक्शन में मैंने इनको बैठाया, पूरा पूरे 3 घंटे का वो सीन इन्होंने देखा कि क्या आरसीएम है, क्या मिलेगा, कैसी जिंदगी होगी आने वाले समय में। और उसके बाद जब चाय की बात आती तो फिर खुश होके चाय बनाती, खाने की बात आती खुश होके खाना बनाती, तो फंक्शन का बहुत बड़ा रोल है। चलिए, आज बहुत सारी बात हम करेंगे। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी का। पूरी इंडिया में मीटिंग देने का मौका मिलता है, पूरी इंडिया में जाता हूं मैं, लेकिन जो मजा अपने हरियाणा में है, जो मजा अपने रोहतक में है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का मेरा बैकग्राउंड है। फादर जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब की इन्होंने पूरी जिंदगी। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं 2 काम करता था, नौकरी कर रहा था 1500 रुपए महीना की एक जादूगर के साथ में, और साथ में पढ़ाई कर रहा था बीए सेकंड ईयर में। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया 19 साल की उम्र में, और ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किया। शुरुआत थोड़ी मुश्किल होती है, शुरुआत मेरी भी मुश्किल हुई, शुरुआत में बहुत सारा काम कर किया और इनकम बहुत छोटी सी आई। मेरे को आज भी याद है, शुरुआत हुई थी पहले महीने का चेक आपसे, 23 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 23 साल पहले पहला महीने का चेक इस बिजनेस से 544 रुपए का आया। एक साल इस बिजनेस में काम किया साइकिल के ऊपर। दो चीज होती थी मेरे पास में, एक छोटा सा 2 कमरों का घर था और एक साइकिल था। तो एक साल काम किया, 16,000 रुपए की टोटल इनकम आई, 16,000 से ज्यादा खर्च कर दिया मैंने आरसीएम पे। दूसरे साल काम किया, 65,000 की इनकम आई, 65,000 से ज्यादा खर्च कर दिया आरसीएम पे। यानी जो शुरू के 2 साल थे ना, वो बड़े स्ट्रगल वाले 2 साल थे, संघर्ष वाले 2 साल थे। बहुत मेहनत की उन 2 सालों में, लेकिन 2 सालों में मिला कुछ नहीं। और इसको मैं दूसरे शब्दों में कई बार बोलता हूं कि जब परमात्मा ने बहुत ज्यादा देना होता है ना, उससे पहले एक बार वो परीक्षा जरूर लेता है कि इसके लायक है या नहीं है। कहते ना, भगवान छप्पर फाड़ के देता है। किसका छप्पर फाड़ता है? जिसका छप्पर होता है। जिसका छप्पर नहीं होता उसका छप्पर। तो 2 साल खूब मेहनत की, खूब काम किया, 2 साल में पैसा नहीं आया, 2 साल में 1,00,000 रुपए से भी कम की टोटल इनकम आई। टोटल इनकम, एक साइकिल था, उस साइकिल पे काम किया 2 साल मैंने। सुबह निकलते थे, 12 किलोमीटर 11 किलोमीटर साइकिल चलता था, और बहुत सारे लोगों को आरसीएम का प्लान बता के आते थे। 27-28 महीने बाद मैंने इस बिजनेस से पुरानी स्कूटर ली 13,200 रुपए की। मेरी सिस्टर है यहीं जसिया गांव में, उसमें उनकी शादी हो रखी है, अभी रोहतक रहते हैं। तो जीजा जी के पास स्कूटर थी, वो 13,200 रुपए देके मैंने उस स्कूटर को खरीदा। फिर उस स्कूटर पे काम किया 26-27 महीने के बाद में। 30वें महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, जब आरसीएम करते करते 30 महीने हो गए, 30 महीने बाद में रॉयल्टी अचीवर बना। और रॉयल्टी का जो पहला चेक आया आरसीएम से, वो
26,305 रुपए का, उस चेक को आज तक मैं भूला नहीं हूं। क्यों नहीं भूला हूं? कि वहां से जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं लंबी स्टोरी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आज बहुत सारी बातें आपसे मैं करना चाह रहा हूं, तो स्टोरी तो बाद में कभी बात करेंगे कि क्या हुआ जिंदगी में। आप ये मत सोच लेना कि बस शुरुआत हुई रॉयल्टी आ गई। 30 महीने लगे रॉयल्टी आने में। 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 21.5 साल की उम्र में रॉयल्टी अचीवर बना आरसीएम का। हाँ, उस समय जो लोग आरसीएम करते थे ना, वो 40 साल के लोग, 50 साल के लोग आरसीएम करते थे। मैं अकेला था मेरी पूरी टीम में, हमारे पूरे ग्रुप में, जो 19 साल की उम्र में आरसीएम शुरू किया, 21.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बना। और मेरे को पता है, मेरे को आज भी याद है, कंपनी में एक स्टाफ थे हमारे, अशोक दीक्षित। तो अशोक दीक्षित जी का फोन आया था मेरे घर पे जब मैं रॉयल्टी अचीवर बना था कि राकेश आप आरसीएम के सबसे कम उम्र के रॉयल्टी अचीवर बने हो। उसके बाद 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बन गया। फिर उनका दोबारा फोन आया, 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बन गया, उनका फोन आया दोबारा कि राकेश आप सबसे कम उम्र के टेक्निकल अचीवर बने हो। काम किया इस बिजनेस में, और जिस दिन मैं पहली मीटिंग आरसीएम की अटेंड करके आया था, उस समय जो विजिटिंग लीडर आए थे उन्होंने बताया था कि मेरे एक महीने की इनकम 1,00,000 रुपए से ज्यादा है, और ये बात मैं बता रहा हूं 2001 की। अच्छा, आज 1,00,000 रुपए महीना कैसी इनकम है? अच्छी है, आज अच्छी है, लेकिन आप सोच के देखो 2001 में 1,00,000 रुपए महीना कैसी इनकम होती थी। बहुत बड़ी इनकम होती थी। उस समय मेरे आसपास के बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, टीचर थे, और उनकी जो सैलरी थी वो 4,500-6,000 रुपए की सैलरी होती थी गवर्नमेंट जॉब में। आप में से अगर कोई साथी जॉब में है तो आप बता, आप सोच सकते हैं कि 2001 में आपकी सैलरी क्या होती होगी। तो 5,500-6,000 की सैलरी होती थी, और उस टाइम उन्होंने बताया कि 1,00,000 रुपए महीना आरसीएम से इनकम आती है 2001 में। और मेरा भी एक सपना बना, देखिए सपने होने चाहिए, सपने होने चाहिए। इंसान एक ऐसा प्राणी है इस दुनिया में जो सपने देख सकता है। कभी आपने भैंस को सपना देखता नहीं, देखते हुए नहीं देखा होगा, कभी कुत्ते को, घोड़े को सपना देखते हुए नहीं देखा होगा। तो सपने होने चाहिए, और जिस मीटिंग में मैं बैठा था उसमें मैंने भी सपना बनाया कि मेरे को इस बिजनेस से 1,00,000 रुपए महीना कमाना है। अच्छा, 1,500 रुपए कमाता था और सोच लिया अच्छा किया बुरा किया, गलत किया? अच्छा किया सर, सोचना चाहिए, सोचने की हिम्मत तो करो। आएगा कब आएगा, कैसे आएगा, वो बाद की बात है। तो 1,00,000 रुपए महीना का सपना लेके आरसीएम शुरू किया, और 36वें महीने यानी ज्वाइन करने के ठीक 3 साल के बाद रॉयल्टी आई 2.5 साल के बाद में, और ठीक उसके 6 महीने बाद इस बिजनेस से एक महीने की इनकम 1,09,000 रुपए से ऊपर की आई। और मेरा सपना था कि साथी जब करूंगा जब 1,00,000 रुपए महीना से ऊपर की इनकम आने लगेगी, और इस समय ने किया टेक्निकल अचीवर बनने के बाद में 1,00,000 रुपए से ऊपर जब रेगुलर इनकम आने लगी उसके बाद मेरी शादी हुई। बहुत कुछ आरसीएम ने दिया, शुरुआत किया 19 साल में, 21.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बना 2.5 साल में, और अगले 2.5 साल में इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी, जैसे आज सबसे बड़ी पिन है डायमंड, तो उस समय मेरे टाइम में सबसे बड़ी पिन होती थी स्टार रूबी। तो ठीक 5 साल 1 महीने बाद यानी जब मैं 24 साल का हुआ, तो 24 साल में स्टार रूबी का लेवल अचीव किया जो आरसीएम बिजनेस में आज भी वो जो रिकॉर्ड है 24 साल की उम्र में स्टार रूबी, वो मेरे नाम है। yes, yes. और मैं चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड टूटना चाहिए, है ना। कोई ऐसा लड़का आए जो 24 साल से कम उम्र में स्टार रूबी अचीव करे, और मैं कहता हूं सर मैं उसकी हेल्प करूंगा। मैं अच्छी करने की मदद करूंगा उसकी। तो स्टार रूबी अचीव किया और आज भी याद है जब स्टार रूबी का पहला चेक मेरा आया आरसीएम से 2006 में, फरवरी 2001 में आरसीएम की ज्वाइनिंग की, मार्च 2006 में स्टार रूबी का चेक आया, वो था 5,65,000 रुपए का। ये पावर है, 1500 रुपए की नौकरी को छोड़ के एक आदमी आरसीएम करता है और 5 साल में 5,65,000 रुपए महीना कमाने लगता है। उसके बाद जिंदगी बदल गई, घर लिया, गाड़ियां ली, दूसरा घर लिया, तीसरा घर लिया, चौथा घर लिया, एक गाड़ी ली, जब मैंने पर्ल बना तो पहली गाड़ी ली, एमराल्ड बनने के बाद दूसरी गाड़ी ली, स्टार एमराल्ड के बाद तीसरी गाड़ी ली, रूबी बनने के बाद चौथी गाड़ी ली, स्टार रूबी बनने के बाद पांचवी गाड़ी ली,
और अभी पिछले साल अभी सुदेश बता रही थी कि छठी गाड़ी खरीदी है और आज वो कोई सपना नहीं है गाड़ी खरीदना, क्योंकि आज तो फिर इतना पैसा आता है कि हर महीने गाड़ी खरीद सकते हैं। तो जो भावना है मैं आपको बताना चाहता हूं सर, ये खाली मेरे लिए नहीं और ये चंद जो टेक्निकल अचीवर अभी आपके सामने आए थे उनके लिए काम नहीं करता, ये सबके लिए काम करता है ना। ये बिजनेस आसान है और इसलिए शायद हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग इसको नहीं करते, आसान है इसलिए नहीं करते। अच्छा, सुबह की सैर करना आसान है या मुश्किल है? कितने लोग करते होंगे? चंद लोग करते होंगे। तो जितने भी दुनिया में आसान काम है ना उनको ज्यादातर लोग नहीं करते, जितने मुश्किल काम है लोग उनको करते हैं। तो आज बहुत सारी बात मैं आपसे करूंगा इस बिजनेस के बारे में, इस सिस्टम के बारे में। मैंने 2 साल नौकरी का एक्सपीरियंस है मेरा, 2 साल मैंने प्राइवेट नौकरी करी है 1500 रुपए महीना की और 23 साल का एक्सपीरियंस है आरसीएम का। तो दोनों चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए मैं डायरेक्ट सवाल आपसे पूछता हूँ, जिंदगी में कितने लोग हैं जो अमीर बनना चाहते हैं या पैसे वाले, पैसा बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? इसका जवाब मेरे को पता था, इसका जवाब पता था। कुछ सवाल होते हैं ना जिनको केवल पूछते हैं हम, जवाब पता होता है। जैसे किसी सब्जी वाले से क्या पूछते हैं कि भैया सब्जी ताजी है क्या? अच्छा, वो क्या बोलेगा? वही बोलेगा ना, हाँ ताजी है। आज तक किसी सब्जी वाले ने ये बोला कि नहीं, 3 दिन की बासी है। मैंने जो सवाल आपसे पूछा कि कितने लोग पैसा कमाना चाहते हैं, मेरे को पता था आपका हाथ खड़ा हो जाएगा, बट मैंने जान के पूछा। जान के क्यों पूछा? जान के इसलिए पूछा, मैं थोड़ा अलर्ट करना चाहता था। अच्छा, पैसा कमाना है, मैं मेरे पास में अनुभव है नौकरी का, आपके पास भी अनुभव होगा नौकरी का। एक चीज बोली जाती है कि नौकरी के अंदर आदमी भूखा नहीं मर सकता, सुना ना? नौकरी करेंगे आप, कोई भी गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब करते हैं तो व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता, लेकिन नौकरी दूसरी चीज बोलती है कि आदमी तरक्की भी नहीं कर सकता। दूसरा तरीका है सर, जितने भी पैसे वाले लोग हैं दुनिया में, पूरे वर्ल्ड को अगर आप देखोगे, पूरे वर्ल्ड में जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो क्या करते मिलेंगे? बिजनेस करते मिलेंगे सर। एक ही तरीका है पैसा कमाने का, अगर आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो जीवन में। कुछ लोग शायद कंफ्यूज होंगे, नए साथी जब आते हैं वो सोचते होंगे कि जब से आए पैसे की बात कर रहे हैं, पैसा खुदा है क्या? नहीं है, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। दोनों जिंदगी मैंने देखी है, एक वो जिंदगी जिसमें 50 रुपए के लिए सोचना पड़ता था, 50 रुपए खर्च करने से पहले 50 बार सोचना पड़ता था, और एक ये जिंदगी है जहां पे पैसे को लेके वो सोच खत्म हो गई है। एक सोच खत्म हो जाती है ना कि सोचने की जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज के लिए, वो 50,000 है या 5 लाख है या 50 लाख है या 2 करोड़ है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो जिंदगी आज आ चुकी है। तो दोनों जिंदगी में बहुत बड़ा अंतर है सर, पैसा खुदा नहीं है, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसा कमाने का एक ही तरीका है, और सर ये फैक्ट है, आप इसको मानेंगे, आप रोहतक की बात करें, आप हरियाणा की बात करें, आप हिंदुस्तान की बात करें, आप दुनिया की बात करें, जितने बड़े बड़े बंगले होते हैं ना वो किसी बिजनेसमैन के होते हैं, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, एक लेडीज के शरीर पे अगर बहुत सारे गहने हैं वो किसी बिजनेसमैन की वाइफ होगी, विदेशों में बच्चे पढ़ रहे हो किसी बिजनेसमैन के बच्चे होंगे। यस या नो? यस। तो पैसा कमाने का 2 तरीका है, पहला तरीका है ट्रेडिशनल बिजनेस करो और दूसरा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब ये दोनों हैं क्या, दोनों में अंतर क्या है, उस अंतर को थोड़ा सा समझ लेना, आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी, आपको प्राउड होगा अपने ऊपर कि जो काम आप कर रहे हो वो कितना अच्छा काम और कितना बड़ा काम है। कुछ अंतर मैं आपको दोनों में अंतर बता रहा हूं, ये भी बिजनेस है ये भी बिजनेस है, ये पुराने जमाने का है। ट्रेडिशनल बिजनेस किसको बोलते हैं सर? आप फैक्ट्री लगा लो, आप दुकान खोल लो, आप रेडी लगा लो, आप इंडस्ट्री लगा लो, उसको ट्रेडिशनल बिजनेस बोलते हैं। ये पुराने जमाने का है, ये नए जमाने का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जैसे फोन है, लैंडलाइन फोन और मोबाइल फोन, दोनों फोन है। लैंडलाइन फोन पुराने जमाने का है और मोबाइल फोन नए जमाने का है।
तो थोड़ा सा हम अंतर देखते हैं, इनमें अंतर क्या है, इस अंतर को आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, ट्रेडिशनल बिजनेस में और आरसीएम बिजनेस में क्या अंतर है। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, कितनी होती है, जिस तरह का बिजनेस होगा उस तरह का पैसा लगेगा, छोटा बिजनेस होगा थोड़ा पैसा लगेगा, बड़ा बिजनेस करोगे तो बड़ा पैसा लगेगा। आप कोई पान की दुकान खोलोगे तो 50,000 रुपए में खुल जाएगी, किराने की दुकान खोलोगे तो 5 से 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, अगर कोई बड़ा शोरूम खोलोगे तो 1-2 करोड़ रुपए लगेंगे, अगर फैक्ट्री लगाओगे तो 50-100 करोड़ रुपए लगेंगे, इंडस्ट्री लगाओगे तो 1,000-2,000-5,000 करोड़ रुपए लगेंगे। बट आरसीएम बिजनेस में कितने रुपए लगते हैं, अगर इस बिजनेस को आपने समझा लिया, जीरो। तो समझदार बैठे हैं वो तक में, वो कह रहे हैं जीरो थोड़ी लगते हैं, लगते नहीं, 2,000 रुपए लगते हैं, 2,000 का सामान बिल्कुल लगते हैं सर, 2,000 का सामान। देखिए समझने की बात है सर, 2,000 का जो सामान आपको आरसीएम से मिला, वो अगर आरसीएम से नहीं खरीदोगे तो कहां से खरीदोगे, दुकान से, आज से पहले भी खरीदते हैं, आज भी खरीदना, आज के बाद भी खरीदना, वो सामान इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो खर्च है, वो करना है, आरसीएम से नहीं कर रहे तो भी करना है और आरसीएम से करेंगे तो भी करना है। दूसरी बात करते हैं रिस्क, यहां पे आपने 2 करोड़ लगाए तो 2 करोड़ का रिस्क, 10 करोड़ लगाए 10 करोड़ का रिस्क, 50 करोड़ लगाए 50 करोड़ का रिस्क, हेलो यहां पे जीरो लगाया है, बुरे से बुरा क्या होगा, लेकिन जीरो लगाया है, ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, जीरो होगा, जीरो से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम कहते हैं ना, हिंदुस्तान में लोग कामयाब होने से पहले नाकामयाबी के बारे में सोचते हैं, जब अंधेरे में जाते हैं ना झाड़ियां भूत नजर आती है, झाड़ियों में थोड़ी भूत है, भूत तो कहां है, दिमाग में। थोड़ा सा आगे चलते, रनिंग कॉस्ट, इस बिजनेस में करोड़ों रुपए लगा के भी हर महीने रनिंग कॉस्ट आएगी, रनिंग कॉस्ट बहुत हाई, हाई कैसे, आपने फैक्ट्री लगा ली रोहतक से 30 किलोमीटर दूर, तो रोज गाड़ी से जाओगे उसका पेट्रोल लगेगा, फैक्ट्री का किराया देना पड़ेगा, वहां पे एसी चलेगा, वहां पे कोई मिलने वाला आएगा उसको चाय पानी पिलाना पड़ेगा, रनिंग कॉस्ट हाई। आरसीएम में रनिंग कॉस्ट क्या है, महीने में एक मीटिंग होती है, एक मीटिंग होती है महीने में, 150 रुपए की टिकट लगती है, किसी को प्लान दिखाने जाते हो 50 रुपए का तेल लग गया, यानी 200-500 रुपए महीना लगा के इस बिजनेस को चलाया जा सकता है। थोड़ा सा आगे चलते, मैन पावर, इसमें आप 10 लोगों को रखोगे तो 10 को सैलरी, 50 को रखोगे 50 को सैलरी, 1,000 को रखोगे 1,000 को सैलरी। आरसीएम बिजनेस में आपके नीचे 100 लोग जुड़े हैं, 1,000 जुड़े हैं, 2,000 जुड़े हैं, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, नॉलेज, ये अपनी खुद की जानकारी से आप इस बिजनेस को चलाओगे, अगर आपके पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम आपके बिजनेस को चलवा देगा। जैसे आप उड़ नहीं सकते, लेकिन एक सिस्टम है हवाई जहाज, हवाई जहाज में बैठते हो तो वो हवाई जहाज आपको क्या करता है, उड़ा देता है। ऐसे ही सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम आपके बिजनेस को चला सकता है। थोड़ा सा और अंतर बता रहा हूं इस बिजनेस में और इस बिजनेस में, आपको डिसीजन लेना आपको करना क्या है। इस बिजनेस को एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे कर सकते हो, आपकी दुकान है ज्यादा से ज्यादा एक दिन में कितने घंटे खोल सकते हो, 24, फैक्ट्री है ज्यादा से ज्यादा 24। लेकिन इस बिजनेस में टाइम मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, आपने 2 घंटे आरसीएम करना शुरू किया एक दिन में, आपके नीचे 100 लोग जुड़ गए, 1 साल बाद वो भी 2-2 घंटे कर रहे हैं, तो एक ही दिन में आपके लिए 200 घंटे काम होने लग गया। 1,000 लोग जुड़ गए, 2-2 घंटे काम करते हैं, एक ही दिन में 2,000। देखिए अंबानी अंबानी क्यों है, वो बहुत काम करता है बहुत मेहनत करता है इसलिए अंबानी नहीं है। टाटा टाटा क्यों है, बहुत मेहनत करता है इसलिए टाटा नहीं है। शायद उससे ज्यादा मेहनत हमारे में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। वो अंबानी और टाटा क्यों है, क्योंकि उसके नीचे हजारों लोग लाखों लोग काम करते हैं, और लाखों लोग के काम करने का बेनिफिट टाटा और अंबानी को होता है। इस बिजनेस में वो पावर एक व्यक्ति को मिलती है कि उसके टाइम मल्टीप्लाई होता रहता है, जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं उसका टाइम बढ़ता जाता है, और जब टाइम बढ़ता है उसकी इनकम बढ़ती है। अब 10 घंटे काम करोगे तो 10 घंटे का पैसा मिलेगा, अगर आप 1,000 घंटे काम करने लग जाओ एक दिन में तो 1,000 घंटे का पैसा मिलेगा। हेलो टाटा के नीचे 5,000 लोग, 50,000, 5 लाख लोग उसकी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो 5 लाख लोगों के काम करने का फायदा टाटा को होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिक्योरिटी, इस बिजनेस में
पांच साल करो, दस साल करो, बीस साल करो, पचास साल करो, इनसिक्योर रहता आदमी। इनसिक्योर कैसे रहता है? आज अच्छा है, पांच साल बाद गारंटी नहीं अच्छा होगा। जैसे बहुत सारे लोगों का बिजनेस बड़ी सिटीज में, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े जो होलसेलर दुकानदार थे, उनका बिजनेस अभी कोरोना के बाद किसी का 70% हो गया, किसी का 60। क्यों वो ऐसा? ऑनलाइन सिस्टम पे आ गए लोग, ई कॉमर्स कंपनियां आ गई, वो घर पे बैठ के आज लोगों की आदत बन गई। जैसे मैं जहां पे रहता हूं दिल्ली में, वहां पे लोगों की आदत है, वो दुकान पे जाना पसंद नहीं करते, वो घर पे ऐप पे ऑर्डर करते हैं, 15 मिनट बाद उनके घर पे सामान आ जाता है। अब वो सामान कहां से आया है? नजदीक के दुकानदार से नहीं आया, किसी ने एक वेयर हाउस बना रखा, उस वेयर हाउस से आया। जो दुकानदार का बिजनेस था वो तो कम हो गया ना, तो इनसिक्योर। लेकिन जैसे जैसे यहां पे टाइम बढ़ता जाएगा, आप 2 साल होंगे, 3 साल होंगे, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना शुरू करोगे। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस बिजनेस में जितना खुद करोगे उतना पैसा आएगा, इसमें जितना आपकी टीम करेगी उससे पैसा आएगा। ज्यादा पैसा कहां पे आता है? खुद के करने से या टीम के करने से? थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस बिजनेस को आप लोकल एरिया में फैला सकते हो। आपकी मिठाई की दुकान है, ज्यादा से ज्यादा आप रोहतक में 2 दुकान खोलोगे, ज्यादा से ज्यादा महम में खोलोगे, बट आरसीएम बिजनेस को आप रोहतक से शुरू करके कहां फैला सकते हो? पूरे हरियाणा में फैला सकते हो, दिल्ली में फैला सकते हो, यूपी में फैला सकते हो, बिहार में फैला सकते हो, वेस्ट बंगाल में फैला सकते हो, महाराष्ट्र में फैला सकते हो, केरला में फैला सकते हो, J&K में फैला सकते हो। यानी आप यहां से शुरुआत करके इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैला सकते हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एफर्ट्स। इस बिजनेस को कब तक करना पड़ता है सर? जब तक बॉडी अलाउ करती है। 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में भी लोग बिजनेस में दुकान में बैठते हैं मजबूरी में। बॉडी अलाउ करती है जब तक करना पड़ता है, जब तक आपका शरीर चलता है जब तक आपको करना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम को अगर सही ढंग से आपने 2 साल कर लिया, 3 साल कर लिया, 4 साल कर लिया, 5 साल कर लिया, उसके बाद आरसीएम में एक ऐसी स्थिति आ जाती है, आप काम करोगे तो भी चलेगा, काम कम करोगे तो भी चलेगा, काम नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसको बोलते हैं, आप 20 साल के बाद भी इस काम को करना बंद करोगे, 50 साल बाद भी बंद करोगे, उसी दिन इनकम आनी बंद। आपकी दुकान है सर 50 साल पुरानी, 50 साल के बाद में आप दुकान नहीं खोलोगे तो इनकम नहीं आएगी। शटर बंद, इनकम बंद, यस या नो? जैसे ही काम करना बंद, पैसा आना बंद। बट आरसीएम बिजनेस की बात करें, यहां पे अगर सही ढंग से आपने अपनी जिंदगी के कुछ समय दे दिया और इसको बिल्ड कर दिया, क्या करना मैं बताऊंगा आप आगे, आप निश्चिंत रहो। अभी मैं आया हूं तो सब कुछ बता के जाऊंगा, मानना ना मानना वो आपका काम है। हेलो, यस, मैं तो अपनी तरफ से तैयार करूंगा। मैक्सिम लोग रामेश्वर जी की टीम से हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे। और मैं आज आते ही मैंने जो इनको कहा था ना कि सर आपको जो जानते हैं, एक बार जो आपसे मिल लेंगे वो आपको जिंदगी में कभी मना नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। सीनियर लीडर्स की बात कर रहा हूं मैं, जिन लीडर्स के लिए बोलते हैं ना कि टाइम लेना बहुत मुश्किल है। अभी एग्जाम्पल दिया कि व्हाट्सएप बोल रहे दो साल तक टाइम नहीं है, लेकिन रामेश्वर जी को 1 मिनट से पहले दे दिया टाइम। तो इस बिजनेस को अगर आपने थोड़े से कुछ समय के लिए, देखिए आरसीएम मुश्किल नहीं है, आरसीएम मुश्किल नहीं है, हमारी जो आदतें हैं ना उन आदतों को बदलना है, उन आदतों को बदलना थोड़ा सा मुश्किल है। और आदत बदल गई तो ये बिजनेस जिंदगी बदल देता है। क्या करना, मैं थोड़ा सा हर चीज में आऊंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है। इसकी शुरुआत हुई यूएसए से, अमेरिका से। कैसा देश अमेरिका? रोहतक से पीछे है और रोहतक से एडवांस, इंडिया से एडवांस है, 20 साल एडवांस है। कभी मौका मिले यूएस जाने का जरूर जाना, है ना? आप जाके देखोगे कि क्या देश है वो। शुरुआत वहां से हुई, इंडिया में शुरुआत हुई 28 साल पहले। अच्छा, कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं जो 28 साल से कम उम्र है जिसकी? एक बार हाथ खड़ा करें, क्या बात है, 28 साल से कम बहुत है, ये पैदा भी नहीं हुए थे उससे पहले चल रहा है आरसीएम उससे।